दोस्तों आज की डेट में स्मार्टफोन लाइन में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप 15,000 तक का कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको इतने सारे स्पेसिफिकेशन मिलेंगे जो कि आज से कुछ टाइम पहले 25,000 से 30,000 वाले स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलते थे। चाहे बात करें ओप्पो की, वीवो की, ऑनर की, असूस की, रियलमी की, या बात करें शोमी की, इसके अलावा सैमसंग और नोकिया की भी, तो ये सभी स्मार्टफोन कंपनियाँ आज की डेट में 15,000 में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर प्रोवाइड करवा रही हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 10 स्मार्टफोन्स हैं जो टॉप लिस्ट के अंदर हैं और उनका प्राइस रेंज भी आपको 15,000 या इससे नीचे के रेंज में मिल जाता है। और वीडियो के आखिर में मेरा ओपिनियन कि इन सभी स्मार्टफोन में से मैं किस 2 या 3 स्मार्टफोन को चूज़ करने वाला हूं। तो इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ें उससे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर दोस्तों आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर 15,000 के स्मार्टफोन्स की। उसके अंदर आते हैं मोटोरोला के स्मार्टफोन्स। मोटोरोला के 2 स्मार्टफोन आते हैं जिसके अंदर पहला स्मार्टफोन है मोटो G8 प्लस, जिसके अंदर आपको मिल जाती है 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस आईपी डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का 665 ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि 11 नैनोमीटर पर काम करता है, 48 प्लस 16 प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप, 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 4000mAh की बैटरी, टाइप सी का स्लॉट, हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट मिलता है यहाँ पर आपको, और प्राइस इस फोन का आपको मिल जाता है 13,999 रुपये का। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो वो भी मोटोरोला की तरफ से है, मोटोरोला वन एक्शन। इस स्मार्टफोन की में आपको मिलता है 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले जो कि पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, एक्जिनोस का 6909 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि 10 नैनोमीटर पर काम करता है, 12 प्लस 16 प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा सेटअप मिलेगा, 4GB की रैम मिलेगी, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलने वाली है, 3500mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी का स्लॉट मिलेगा, यहां पर भी आपको सिम कार्ड हाइब्रिड स्लॉट ही मिलने वाला है, और प्राइस इस फोन का 10,999 रुपये मिलने वाला है। अगली स्मार्टफोन कंपनी की बात करें तो वो आती है वीवो की तरफ से। वीवो की तरफ से हालांकि 3 स्मार्टफोन आते हैं लेकिन इस फोन के अंदर मैंने 2 स्मार्टफोन को ऐड किया है, वीवो Z1 प्रो। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस आईपी डिस्प्ले जो कि पंच होल डिजाइन के साथ होगी, स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा, 10 नैनोमीटर पर ये प्रोसेसर काम करता है, 16 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, 6GB की रैम मिलेगी, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, 5000mAh की बैटरी मिलेगी, 18 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा, और इस फोन का प्राइस आपको मिलने वाला है 13,990 रुपए का। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो भी वीवो की तरफ से जिसका नाम है वीवो Z1X। इस फोन के अंदर आपको 6.38 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाले है ड्यू ड्रॉप डिजाइन के साथ, स्नैपड्रैगन का 712 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा, 48 प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, 4GB की रैम मिलेगी, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, 4500mAh की बैटरी मिलेगी, 18 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, ट्रिपल कार्ड सिम का स्लॉट मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, और ऑफर पीरियड के दौरान इस फोन का प्राइस आपको मिलने वाला है 13,990 रुपए का। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो आते हैं ऑनर की तरफ से। ऑनर की तरफ से जो स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में आता है उसका नाम है ऑनर 20i। 6.21 इंच की फुल एचडी प्लस आईपी डिस्प्ले मिलेगी, डॉट नॉट डिजाइन के साथ, किरण 710 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर पर काम करता है, 24 प्लस 2 प्लस 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप मिलेगा, 4GB की रैम मिलेगी, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है, 3400mAh की बैटरी मिलेगी, हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट मिलेगा। प्राइस इस फोन का काफी अच्छा है 10,999 रुपए, लेकिन हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट एक माइनस पॉइंट बनता है इस फोन का। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो वो आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की तरफ से जो स्मार्टफोन आ रहा है 15,000 के नीचे उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M30s। इस फोन के अंदर 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है यू नोट डिजाइन के साथ, एक्जिनोस का 9611 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि 10 नैनोमीटर पर काम करता है, 48 प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, 4GB की रैम मिलेगी, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जो कि UFS 2.1 स्टोरेज बेस पर काम करेगी, 6000mAh की बैटरी मिलेगी, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा, टाइप सी का स्लॉट मिलेगा, और इसके साथ साथ इस फोन का आपको प्राइस मिलेगा 13,999 रुपए का। ये फोन काफी इंटरेस्टिंग है सैमसंग का। अब बात कर लेते हैं Xiaomi के फोन। Xiaomi के 2 फोन आते हैं 15,000 के नीचे के प्राइस रेंज में। पहला फोन है Mi A3। इस फोन के अंदर 6.01 इंच की HD प्लस एमोलेड डॉट नॉट डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, स्नैपड्रैगन का 665 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा, 48 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप मिलेगा, 4GB की रैम मिलेगी, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है, 4000mAh की बैटरी मिलने वाली है, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलने वाला है, टाइप सी का चार्जिंग स्लॉट मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, और प्राइस इसका मिलेगा 12,999 रुपए का। एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट होना थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इस फोन का। चलिए बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो वो आता है रेडमी का नोट 8 प्रो। रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस आईपी डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी ड्यू ड्रॉप डिजाइन के साथ, मीडियाटेक का हेलियो G90T प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर पर काम करता है, 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप मिलेगा, 6GB की रैम मिलेगी, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, UFS 2.1 के बेस पर यह स्टोरेज काम करने वाली है, 4500mAh की बैटरी मिलेगी, इसमें भी आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा और टाइप सी का स्लॉट मिलेगा। फोन
फोन का प्राइस आपको मिलने वाला है 14,999 रुपए का। अब बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन्स की, तो वो आते हैं रियलमी की तरफ से। रियलमी की तरफ से भी दो स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला स्मार्टफोन आता है रियलमी का 5 प्रो। 6.3 इंच की फुल एलईडी प्लस आईपैड डिस्प्ले मिलती है ड्यूड्रॉप डिजाइन के साथ। स्नैपड्रैगन का 712 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। 48+8+2+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप मिलता है। 4GB की रैम मिलती है। 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। UFS 2.1 के बेस पर ये स्टोरेज काम करती है। 4000mAh की बैटरी मिलती है। ट्रिपल कार्ड सिम का स्लॉट मिलता है। इसके अंदर टाइप सी का स्लॉट आपको देखने के लिए मिल जाता है। प्राइस इस फोन का काफी इंटरेस्टिंग है, 12,999 रुपए का। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो वो भी आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी XT। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है 6.4 इंच की फुल एलईडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि ड्यूड्रॉप डिजाइन के साथ मिलती है। स्नैपड्रैगन का 712 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप मिलता है। 4GB की रैम मिलती है। 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। ये स्टोरेज भी UFS 2.1 के बेस पर काम करती है। 4000mAh की बैटरी मिलती है। ट्रिपल कार्ड सिम का स्लॉट मिलता है। टाइप सी का स्लॉट मिलता है। प्राइस मिलता है 15,999 रुपए। हालांकि कुछ कार्ड्स के ऑफर लगाने के बाद ये फोन 14,400 के आसपास आपको मिल जाता है। अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि रियलमी का XT भी आप ले सकते हैं, रियलमी का 5 प्रो भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप रेडमी का नोट 8 प्रो भी ले सकते हैं। ये तीनों स्मार्टफोन मेरी चॉइस बनते हैं। दोस्तों, आपको कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई स्मार्टफोन रह गया हो लिस्ट में बताने के लिए, उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कर, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।